टॉपिक में हम इंस्टॉलेशन uh, देखेंगे इनिशली uh, हम डाउनलोड करना सीखेंगे आटो कैड को उसकी दरार सर्टेन प्री रेकोजिट्स कुछ सेटिंग्स हैं वो हम करेंगे और इसके बाद हम डायरेक्टली इंस्टॉलेशन की तरफ मूव करेंगे सो जब प्री रेकोजिट्स या कुछ टैब्स हमारी आएंगी जिसमें हम अपनी यूनिवर्सिटी का अपने इंस्टीट्यूट का नाम दे देंगे के बाद uh, उस इंस्टीट्यूट की टाइप भी हम नोट कर लेंगे सो so, जैसे ही हम uh, ये सारी प्री रेकोजिट्स आगे जाएंगे तो हमारे पास एक फ़ाइल आएगी और फ़ाइल को जैसे ही हम ओपन करेंगे तो हमारी ऑटोमेटिक जो है वो इंस्टॉलेशन और डाउनलोडिंग जो है स्टार्ट होगी जो कि जाके आफ्टर सर्टेन टाइम फिनिश पे जाके एंड होगी अब टाइम इस डाउनलोडिंग uh, में हमारा कितना लगेगा इस इंस्टॉलेशन डाउनलोडिंग प्रोसेस में ये डिपेंड करता है आपकी नेट स्पीड और आपकी सिस्टम की स्पेक्स के ऊपर कि आप जो सिस्टम यूज़ कर रहे होंगे वो उसकी स्पेक्स क्या हैं और जो आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं उसकी डाउनलोडिंग स्पीड क्या है इट मे टेक अराउंड 15 मिनट्स एज वेल 15 मिनट से लेके और अगर ये आप आगे मूव करना चाहें तो ये इट इट मे टेक अराउंड वन आवर एज वेल तो अब हम देखते हैं प्रॉपर इसको कि हम अकाउंट क्रिएट करने के बाद अब नेक्स्ट प्रोसेस में हम इसको डाउनलोड इनिशली एंड देन इंस्टॉल कैसे करते हैं ये हमारे पास जो है वो लिंक था जो हमने एल एम एस की वेबसाइट से उठाया और इसको हमने क्लिक करने के बाद ओपन किया तो दिस इज ऑटो डेस्क मेन वेबसाइट यहाँ पर अगर हम नीचे आए तो वट इज आस्किंग आई हैव एन अकाउंट एंड आई नीड एन अकाउंट ऑलरेडी हम एक अकाउंट क्योंकि बना चुके हैं सो विल क्लिक ऑन दिस साइन इन बटन सो आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस बटन इस बटन को क्लिक करने के बाद हमारे पास वो हमसे ई मेल एड्रेस पूछ रहा है तो आप अपना ई मेल नोट करेंगे आप यहाँ से नेक्स्ट मूव करेंगे यहाँ पे आपसे वो आपका पासवर्ड पूछेगा आप यहाँ से पासवर्ड नोट करेंगे और साइन इन कर देंगे हम तो साइन इन करने के बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर सेटअप योर एजुकेशन प्रोफाइल कंट्री और टेरिटरी रीजन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे हम अपना कंट्री का नाम स्पेसिफाई करेंगे हम पाकिस्तान में इसको यूज़ कर रहे हैं सो पाकिस्तान दैन एजुकेशनल रोल तो ये वो मेन चीज़ है जो क्योंकि एजुकेशनल फर्दर रोल्स भी हैं जिसके अंदर स्टूडेंट भी हैं एजुकेटर्स भी हैं स्कूल आई एडमिनिस्ट्रेटर डिज़ाइन कॉम्पटिशन तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स वर्जन को क्योंकि अकाउंट क्रिएट किया है तो हम यहाँ स्टूडेंट्स को नोट करते हैं एंड देन यू नीड टू स्पेसिफाई योर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप मंथ डे और जो तो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ इंफॉर्मेशन दे देंगे और यहाँ से जो है हम डेट ऑफ बर्थ देने के बाद आगे मूव करेंगे नेक्स्ट सो तो ये हमारे पास एक टैब ओपन है जिसके अंदर हमने अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का नाम देना है तो यहाँ पे एज़ दिस प्रोग्राम इज़ बीइंग रन अंडर डी जी स्किल तो हम यहाँ पे डी जी स्किल्स स्पेसिफाई कर देंगे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का नाम एरिया ऑफ स्टडी हमसे वो पूछ रहा है हम डिफरेंट जैसा कि हमने पहले देखा है यहाँ हम इसको यूज़ करते हैं तो आप अदर्स को भी प्रेफर कर सकते हैं बट एज़ ज़्यादातर जो आगे मॉड्यूल्स हैं वो आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड हैं तो हम यहाँ के फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर देंगे एज आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग दिस वन एंड कंस्ट्रक्शन नाउ इन मंथ तो आप जब भी आपका ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है सपोज दिसंबर uh, के अंदर दिसंबर टू और यहाँ पे आपने ग्रेजुएट जिस ईयर में होना है आप वो मेंशन कर दें तो so, सपोज़ uh, हम कोई भी यहाँ अगस्त 2019 या हम दिसंबर 2019 एक साल का गैप हम दे देते हैं तो so, ये हमारे पास तीन चीज़ें हम पिक कर लेते हैं एंड देन विल क्लिक ऑन नेक्स्ट नेक्स्ट के बाद यहाँ पे ये चीज़ uh, बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें वो आपको बता रहा है कि दी रेकड डज नॉट एग्जिस्ट इन आर डाटा बेस एक डी स्किल जो हमने वर्ड लिखा है ये उनकी डाटा में नहीं है एड टू आर रेकॉड तो हम यहाँ पे क्योंकि ये उनके ऑलरेडी रिकॉर्ड में नहीं है तो हम ये जो है इसकी इन्फॉमेशन उनको प्रोवाइड कर देते हैं ताकि अनवर्ड कोई भी ऐड करे तो उनको ये इन्फॉर्मेशन तो हम सबसे पहले दोबारा वो हमसे नाम पूछ रहा है हम यहाँ उनको वही नाम जो हमने पहले प्रोवाइड किया डी स्किल्स और यहाँ से वो सिटी पूछ रहा है तो हम लाहौर स्पेसिफाई कर देते हैं और जो स्टेट है वो पंजाब और कंट्री पाकिस्तान तो हम इसको ऐड करके अब नेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या वो हमारे इस नेम को पिक कर लेता है या नहीं तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं सो so, नेक्स्ट में जो है इनरोल्ड फ्रॉम फ्राम में कोई ये इशू आ रहा है तो हम इसको जो है वो अगस्त करके देख लेते हैं अगस्त 2018 से दिसंबर 2019 तक लेकिन आप यहाँ एग्जैक्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं जो डिजिट्स आपको मिले तो हम यहाँ से नेक्स्ट मूव करते हैं तो हमारा ये हमारे पास अकाउंट हैज़ बिन सेट जिसमें मैसेज भी आ गया है। अपडेटेड अकाउंट मौजूद है और अब हम ऑटो डेस्क एजुकेशन कम्युनिटी का पार्ट बन चुके हैं तो हम यहाँ पे कंटिन्यू का बटन प्रेस करते हैं तो ये अब हम मेन वेबसाइट की तरफ मूव कर रहे हैं जहाँ से हमने एक्चुअली ये चीज़ें डाउनलोड करनी है अगर हम नीचे आए तो ये हमारे पास बटन है डाउनलोड नाउ एंड कंटिन्यू तो हम ये हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन हैं तो अभी हमने क्योंकि यहाँ डाउनलोड यह करना है सॉफ्टवेयर तो हम इस बटन पर क्लिक करते हैं यहाँ वो हमसे वर्जन का पूछ रहा है अब हमारे पास 16 वर्जन है सेवनटीन एटी नाइनटीन एटी 19 नेम है बट अभी उनने इसको शायद रिलीज़ नहीं किया तो हम यहाँ क्योंकि 16 वर्जन में काम कर रहे हैं तो हम यहाँ 16 वर्जन पिक करेंगे अब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है जिसमें हमारे पास ऑप्शन हैं थर्टी फोर और सिक्सटी फोर तो हम इसको चेक कर लेते हैं अपने सिस्टम में जाके कि हमारा सिस्टम जो है क्या ये 64 है या 32 मैं वो मेथड आपको बता देता हूँ जिसके थ्रू हम सिस्टम की ऑपरेटिंग स्पेक्स चेक कर सकते हैं हम ये अपने फोल्डर के ऊपर क्लिक करते हैं मेन फोल्डर में आके कंप्यूटर जहाँ पे आपके वर्ड सामने इस पर आप राइट right क्लिक करें और यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ में आ जाएं तो जैसे ही आप कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में आए तो यहाँ पे अगर आप नोट करें सो दिस इज सिक्सटी फोर बिट ऑपरेटिंग सिस्टम ये मेंशन है यहाँ से हम दोबारा इस प्रोसेस को क्विकली रिपीट कर लेते हैं हम अपने सिस्टम की मेन यहाँ से भी हम इसको पिक कर सकते हैं या हम फोल्डर्स में जाके कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके जहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारा सिस्टम जो है या ये 32 बिट है या 64 तो ये 64 बिट है हम वापस मेन अकाउंट में जाते हैं और वहाँ हम ये इन्फॉमेशन प्रोवाइड कर देते हैं ऑटो कैट सिक्सटीन डाउनलोड करना है हमने और दैट मस्ट बी 64 फोर बेट और लैंग्वेज हम इंग्लिश को प्रेफर करेंगे क्योंकि ये अंडरस्टैंडेबल होगी हमारे लिए तो ये हमने चीज़ें सेट कर दी और यहाँ पर हम इसको नीचे सबसे अगर आएँ तो इंस्टॉल नाव का बटन ऑप्शन मौजूद है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने दो ऑप्शन आ रहे हैं आई एक्सेप्ट एंड आई रिजेक्ट और हम क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन ऑलरेडी भी हम एग्री कर चुके हैं और यहाँ पर हम ऑटो डेस्क के जितने टर्म्स एंड कंडीशन हैं उनसे एग्री करते हैं एक्सेप्ट एंड देन इंस्टॉल और इंस्टॉल यहाँ पे आप आगे जब मूव करेंगे तो ये एक फ़ाइल आपके सामने डाउनलोड होगी यहाँ की इंपॉर्टेंट जो बात मेंशन करनी है इनिशियली आप एक फ़ाइल डाउनलोड करेंगे अब जब इस फ़ाइल पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से वो हमें अलाउ करेगा सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना तो हम जहाँ पे ये फ़ाइल सामने नीचे है इसको हम रन कर देते हैं तो फाइल रन करने के बाद हम वेट करते हैं तो यहाँ से जो है ये एक मिनट के अंदर जो है ये उसका बेसिक फाइल डाउनलोड करने के साथ ही इंस्टॉलेशन को हम स्टार्ट कर देंगे सो तो यहाँ पे जो है ये आफ्टर सर्टेन सेकेंड्स ये एंड करेगा और अब हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स तो डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन ये एक और टैब अभी ओपन करेगा तो ये हमारे पास इनिशलाइज कर रहा है प्रोसेस को यहाँ से ही ये अगेन डिपेंडिंग ऑन द दिसपेक्ट्स ऑफ योर सिस्टम एंड इंटरनेट स्पीड ये कितना प्रोसेस लेता है आपका तो हम आगे मूव करते जाएंगे तो एक्चुअली जितने टोटल पार्ट्स हैं इसको सीक्वेंस वाइज आहिस्ता आहिस्ता ये डाउनलोड करना शुरू करेगा और साथ ही इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी तो आखिर में ऑटोमेटिकली इसका जो शॉर्टकट है आपकी वो स्क्रीन के ऊपर विजिबल होगा तो आप जो है आप टाइप स्पेसिफाई कर देंगे कि आप कौन सा डाउनलोड करना चाह रहे हैं वर्जनज़ आपके पास हैं तो हम सिक्सटीन वर्जन क्योंकि इस यूज़ करना है इस प्रोग्राम के अंदर तो हम सिक्सटीन वर्जन को कर लेंगे इसके साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम आपसे पूछेगा सिस्टम की तो प्रॉपर्टीज से हम जाके उसकी स्पेक्स चेक करके ऑपरेटिंग सिस्टम चेक कर लेंगे और साथ ही जो है हम इंस्टॉल नाउ तो ये आपका डाउनलोड और इंस्टॉल जैसे ही एंड होगा वहाँ पे हम फिनिश का बटन प्रेस करेंगे तो हमारा ये सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा